For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Big Boss के इतिहास में सीजन 13 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इतना एंटरटेन शायद किसी और सीजन ने किया होगा. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है और जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आ रहा है मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि कौन होगा टॉप थ्री में. आइए पब्लिक से पूछते हैं कि कौन होगा टॉप थ्री में. Who will be in top three? I think I will give it up for Siddharth, Sana, Shehnaz. And other I can say Asim, that Paras, Asim, yeah, Asim, yeah, definitely, Asim would be in top 3. Asim ne flip kiya hai, haan, Asim ne ek flip kiya hai. Flip to kiya hai usne, but definitely he's showing strong emotions and he's showing strongness. Jo vaisa, jaisa ki wo bartao kar raha hai, ghar mein bartao kar raha hai, ghar mein game khel raha hai, usi tarah aisa lagta hai ki wo strong player hai. Kaafi matured hua hai aur strong player bhi hai, Asim. जैसे बिग बॉस खत्म होने वाला है, फाइनल जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो आपको क्या लगता है टॉप थ्री में कौन कौन होगा? पारस, सहनाज और सिद्धार्थ. आपका करंटली फेवरेट कौन है? सिद्धार्थ. क्यों? बिकॉज वो बहुत हैंडसम लगता है हमको और शुरू से मैं उसका सीरियल में एक भी नहीं मिस किया है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है. जिस तरीके की गेम है उनकी कि काफ़ी अग्रेसिव भी होते हैं और काफ़ी लोग प्यार भी करते हैं उन्हें घर में और काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी रहते हैं हमेशा, तो आपको क्या लगता है उनका गेम कैसा है? नहीं, उनका गेम बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं. वो घर में क्या है वो लोगों का नज़रिया के ऊपर है, लेकिन वो कुछ दिखावा नहीं करते, वो बहुत ही रियल है और बहुत जो भी बोलते हैं इफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, उनका कुछ भी वो नहीं लगता हमको, बहुत ही अच्छे हैं. और बाकी लोग के घर के नज़रिया के अलावा उनका क्या इफेक्ट है वो तो पता नहीं, बट हम लोग के नज़रिए में बहुत अच्छे हैं वो. आपने तीन लोगों का नाम लिया, पारस, सिद्धार्थ और शहनाज. आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं इन तीनों में कि बाकी घर वालों में नहीं है? इन लोग में जो भी है कि मतलब जो ये इफेक्ट बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं और किसी के पीठ पीछे होती है जो बातें वो तरह तरह की वो नहीं करते हैं, और सहनाज तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं और सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं करते हैं. जैसे जैसे बिग बॉस का फिलहाल नज़दीक आ रहा है वैसे क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि टॉप थ्री में कौन होगा, तो आपको क्या लगता है टॉप थ्री में कौन होगा? टॉप थ्री में मेरे ख्याल से विशाल होगा और शुक्ला होगा और एक क्या नाम है उनका, नहीं रश्मि सर. आपको क्या लगता है कौन होगा टॉप? बेसिकली सिद्धार्थ शुक्ला, सहनाज गिल और विशाल आदित्य सिंह. आपको क्यों लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि आप दोनों में सिद्धार्थ शुक्ला कॉमन है, क्यों लगता है आपको कि सिद्धार्थ शुक्ला होगा टॉप थ्री में? क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं, मेरे उनको ज़्यादा ये किसी से मतलब गेम पे फोकस ज़्यादा करते हैं वो, और किसी से मतलब जैसे कि कल का जो प्रॉब्लम हुआ जैसे कि विशाल के साथ, अब जैसे विशाल को उन्होंने मारा तो वो अच्छी नहीं लगी और ऐसे ही है, वो मेरा फेवरेट है. आपके सिद्धार्थ फेवरेट है? नहीं, विशाल. विशाल आपके फेवरेट है? नहीं, आपने शुक्ला का नाम लिया है, आप दोनों ने. ज्यादा फेवरेट मेरा विशाल है. और आपके भी फेवरेट विशाल है? विशाल है और सिद्धार्थ शुक्ला है. बेसिकली विनर तो सिद्धार्थ शुक्ला ही होने वाला है क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है और वो काफ़ी दिनों से एज अ लीड एक्टर टीवी सीरियल में और कुछ हद तक मूवी में भी काम कर रखा है उन्होंने, तो विनर सिद्धार्थ शुक्ला ही होंगे. शहनाज भी काफ़ी अच्छा खेली लेकिन आप दोनों ने शहनाज का नाम नहीं लिया, क्यों? नहीं, सहनाज भी खेल रही है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ओवर कर रही है. आपको क्या लगता है टॉप थ्री में कौन होगा? आसिम, सिद्धार्थ, शहनाज. और जीतेगा कौन? शुक्ला या फिर आसिम, दोनों में से एक तो डेफिनेटली जीतेगा. शहनाज गेम अच्छा खेली लेकिन जीतेगी नहीं. देखिए, शहनाज का क्या है, जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी सिद्धार्थ शुक्ला की है और आसिम की है क्योंकि ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड होते रहते हैं, लेकिन वही शहनाज जो है ना इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं अगर टॉपर होते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला नंबर वन पे आएंगे, नंबर टू पे आएंगे आसिम रियाज और नंबर थ्री पे आएंगे शहनाज. जैसे बिग बॉस सीजन 13 खत्म होते जा रहा है, फिलहाल नज़दीक आते जा रहा है, तो आपको क्या लगता है टॉप थ्री में कौन होगा? शुक्ला जी, रश्मि देसाई और आसिम. आपको क्यों लगता है ये तीनों में ऐसी कौन सी बात है कि बाकी लोगों में नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता. शुक्ला जी और रश्मि देसाई की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और आसिम भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है. तो लेकिन लोगों को शहनाज और सिद्धार्थ, शहनाज मुझे समझ ही नहीं आती, सॉरी टू से, बट मुझे नहीं समझ आती, कभी भी फ्लिप करती है, कुछ भी करती है, उसके बाद आई डोंट नो व्हाई लोग उसको इतना क्यों पसंद करते हैं. ठीक है, मुझे भी कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत अच्छी लगती है वो, नो डाउट.
जैसे जैसे बिग बॉस सीजन 13 खत्म होते जा रहा है, फिनाले नज़दीक आ रहा है, तो मन में क्यूरियोसिटी है कि कौन टॉप 3 में होगा, तो आपके लगता है टॉप 3 में कौन होगा? टॉप 3 में ऑल द कंटेस्टेंट सारे ही इतने इंटरेस्टिंग हैं, बट आई थिंक सिद्धार्थ नंबर 1, एंड देन आई थिंक आरती को चांस मिलना चाहिए बिकॉज शी इज़ बीन अ वेरी गुड कंटेस्टेंट एंड शी इज़ दिमाग वाली एंड नाइस एंड अ स्वीट पर्सन एंड ऑल दैट नीड्स टू लाइक यू नो जो एक इंसान में होना चाहिए सब कुछ है. एंड शी उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, सो आई थिंक शी डिजर्व्स टू बी देयर. थर्ड प्लेस में आई एम कन्फ्यूज. आई वॉन्ट टू से पारस, बट देन पारस आसिम एंड रश्मि एक साथ, लाइक हूएवर कम्स. बट डोंट यू थिंक पारस रश्मि और आसिम में सबसे ज़्यादा जो है वो रश्मि ने यू नो झेला है, यहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा दिखी है एंड शी बीन थ्रू अलॉट. देखिए बात क्या होती है लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट, दिस इज़ बिग बॉस, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से इतना लेना देना है नहीं है, ये एक फैमिली है. वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, एंड उनका जो एक रूप निकल के आता है कि वो किस तरह के हैं, आई थिंक पारस इज़ 100% एंटरटेनर. और रश्मि इज़ ऑलवेज क्राइंग, लाइक किसको इतना टीवी देखते वक्त रोना है, इज़ ऑलवेज लाइक किच 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 एंड फॉर नो रीज़न लाइक यू नो. एंड आसिम इज़ लाइक वे टू अग्रेसिव फॉर मी, बट ही इज़ हॉट, सो आई डोंट नो. सो व्हाई यू थिंक सिद्धांत शुड बी यू नो, बिकॉज यू सेड सिद्धांत फर्स्ट, मतलब आपने उनका नाम बहुत पहले ले लिया, तो व्हाई यू थिंक सिद्धार्थ? क्योंकि अगर सीजन 13 का कभी नाम लिया जाएगा तो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ का नाम अगर नहीं आएगा तो सीजन 13 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. लाइक यू नो एनीबडी एल्स कैन बी फॉरगॉटन, बट सिद्धार्थ नंबर 1 पे होगा ही होगा, बिकॉज सिद्धार्थ के साथ जो हुआ है लाइक इंटायरली उनको पूरे घर ने ही हरास किया है. और यू नो एंड ही इज़ एक्चुअली जेन्युइनली अ नाइस गाय. ठीक है गुस्सा आता है, गलत बातों पर गुस्सा आता है, बट ही हैज़ नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग. वो हमेशा मतलब कम बोलो ज़्यादा बोलो वो अपना अपना एट्रीब्यूट है, बट लुक एट हिम नाउ, जैसे कि सीज़न ख़त्म हो रहा है, ही इज़ लाइक रोमांटिक, ही इज़ टॉकिंग नाइस, ही इज़ मेकिंग जोक्स, फनी है और एंगेज कर रहा है एंटरटेनमेंट से, दैट्स इट. जैसे जैसे बिग बॉस सीज़न 13 ख़त्म होते जा रहा है और फिनाले नज़दीक आ रहा है, तो आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन होगा? जी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि टॉप 3 में सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई और शहनाज गिल मेरे हिसाब से. तो आपको क्या लगता है ये तीनों क्यों होंगे टॉप 3 में? बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला इज़ वेरी नेचुरल, मतलब उसमें मतलब कोई आई थिंक जो अंदर से वही वो बाहर है, ही इज़ नॉट आर्टिफिशियल एंड ही डजेंट प्ले एनी गेम्स. एंड शहनाज गिल इज़ वेरी एंटरटेनिंग, उसको देख के तो मतलब पूरा बिग बॉस में हमारा मन लगा रहता है कि देखते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग लगता है. और रश्मि देसाई आई थिंक थोड़ा डिजर्व करती है ये सब. शी बीन थ्रू अ लॉट. या ओके, तो बाकी के आपको क्या लगता है घर के सदस्य क्यों नहीं डिजर्व करते टॉप 3 में आना, यही तीनों क्यों करते हैं? बिकॉज आई थिंक जो हार्डवर्क इन तीनों ने किया आई मीन मेरे हिसाब से यही तीनों होने चाहिए. बाकी का मतलब थोड़ा कोई मतलब डिप्लोमेट रहते हैं, सब ये रहते हैं, लेकिन लाइक मैंने आपको बताया सिद्धार्थ शुक्ला नेचुरल है और वो शहनाज के लिए वेरी एंटरटेनिंग, इट्स एन एंटरटेनमेंट फैक्टर. और सलमान की फेवरेट भी है आपको पता है, उसको कटरीना कैफ बोलते हैं, मतलब पंजाब की. हाँ डेफिनेटली पारस होगा, बट मेरा पर्सनल फेवरेट शहनाज है, बिकॉज आई थिंक कलर्स का भी वो सबसे बड़ी फेवरेट कंटेस्टेंट है, इसीलिए सलमान खान भी उसे इतना सपोर्ट करता है, बिकॉज वो मेन TRP बिग बॉस को शहनाज के वजह से मिलती है. सिद्धार्थ शुक्ला होंगे आपको लगता है टॉप 3 में? हाँ मेरे हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला का जो एंगल रश्मि के साथ था वो शहनाज के साथ है, एंड वो जो हर एक जन के साथ पंगा लेते रहते हैं वो भी उनका एंगल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक जन का अपना अपना एक गेम है, बट सिद्धार्थ शुक्ला एंड पारस दोनों डेफिनेटली टॉप 3 में होंगे. टॉप 3 में आप किसे देखना चाहते हैं? आसिम, सिद्धार्थ एंड शहनाज. और आपके हिसाब से डिजर्विंग विनर कौन है? सिद्धार्थ फॉर श्योर. सिद्धार्थ और शहनाज की जो लव स्टोरी है उसमें काफ़ी बहुत ट्विस्ट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना आगे जाएगा ये उनका किस्सा? आगे तो नहीं कह सकते, बट जब तक TV पे अभी शो चल रहा है उसमें तो अभी तो आगे चल ही रहा है और चलता रहेगा भी, लेकिन बाहर निकलने के बाद लिखते हैं ना, कहते हैं ना लोग अपनी दुनिया में खो जाते हैं, अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण आगे का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अंदर में जो भी है वो दोनों, उन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी लगती है हमको. मुझे तो सिद्धार्थ बहुत पसंद है बहुत. और पब्लिक का वर्डिक्ट आ गया है, उन्हें लगता है सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल हो सकते हैं टॉप 3 में, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन होगा टॉप 3 में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मूवीज अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.